हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ पटना जंक्शन पे, और अभी मैं यहाँ से मोतिहारी के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी लोकल ट्रेन में। तो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना और बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। और मोतिहारी स्टेशन को भी दिखाएंगे, वो भी रात के समय में पहुँचूंगा, तो रात में दिखाएंगे फिर एक नया व्लॉग। सबसे पहले सीन ये है कि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और जो ट्रेन है हमारी वो 5 बजे हमारी ट्रेन है, वो भी पटना जंक्शन से नहीं, पाटलिपुत्र से। तो सबसे पहले हमें पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र जाना होगा, तो अभी हम जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम लॉन्च में, यहाँ पे एक लॉन्च है गार्गी लॉन्च, इसमें हम वेट करेंगे 2 घंटे, तो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह मिल जाएगा हम लोगों को, तो वीडियोज़ वगैरह हम एडिट करने वो कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे पटना जंक्शन, मतलब सॉरी पाटलिपुत्र जंक्शन, और उसके बाद वहाँ से हमारी ट्रेन है। ये फुल्ली ऐसी है गाइस, इसी में हम वेट करेंगे 2 घंटे अपने आराम से वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हल्ला वल्ला होता नहीं है। और यहाँ पर हम बैठने वाले हैं 2 घंटे। फिलहाल देखो एसी ऑन है, दोनों एसी ऑन है यहाँ पे, अभी कहते हैं 3 एसी है। अच्छा, इसमें 3 है, बाकी अलग मैंने सिटिंग के लिए लिया है। और आराम से वाईफाई यूज़ करते हैं, शूज़ अपना ओपन कर लेते हैं भाई साहब। सो गाइस, मैंने लगा लिया अपना दोनों फ़ोन चार्ज में, और अभी मस्त आराम से बैठ करके थोड़ी देर गाना सुनेंगे, एडिट मारेंगे, सारा वीडियोस जितना बचा हुआ अपलोड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है अच्छा खासा। अब स्पीड देख लो, 77 Mbps की स्पीड है, मस्त से काम कर लो, जितना अपलोडिंग है अपलोड कर लो, नहीं तो 50 GB भरवा करके मैं परेशान हो गया हूँ। टाइम इज ओवर, चेकआउट करते हैं और चलते हैं, भूख लगी है बहुत, जोर से खाते हैं। पहले चेकआउट हो गया है, अब चलते हैं जल्दी से कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है, फिर ट्रेन है अपनी, तो फुल्का कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रात को हम लोग 10 बजे पहुंचेंगे ना वहाँ पे, इसलिए। ये हमारी ट्रेन गाइस, और क्योंकि एक स्टेशन ही आगे जाना है, तो बस इसीलिए हम जा रहे हैं इस बार जनरल बोगी में, मोतिहारी भी हम ऐसे ही जाने वाले हैं। देखो जनरली मैं जितने दिन से अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इधर बीटा पटना और आरा भैया इस साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल तो ये ट्रेन खाली है, क्योंकि अभी खुलने का जो टाइम है अभी 10-15 मिनट इसमें भी टाइम है, तो अभी हम एक स्टेशन जाने में 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर वहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, वहाँ पर हम लोग टिकट कटा लेंगे मोतिहारी का। देखो लोकल ट्रेन में सीट बुक करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपना कोई भी एक सामान सीट पर रख दो, तुम्हारा सीट बुक हो जाएगा। मतलब चलती ट्रेन में भी अगर तुमने रख दिया ना भाई, बॉटल रख दो, हैंकी रख दो, या फिर बैग ही रख दो अपना, तो तुम्हारा समझ लो सीट बुक हो गया, अब उसी सीट पर तुम्हें जाना है। मतलब ये बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ का फंडा ही अलग है भाई। इसमें भीड़ नहीं है, और वैसे भी ये पैसेंजर नहीं, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर में ना भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है हमें जाने में, यहाँ से तो दरअसल ज़्यादा दूर है नहीं, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास होगा पाटलिपुत्र यहाँ से पटना जंक्शन से। अभी अभी भाई साहब उस ट्रेन से इस पे चढ़ के एक शख्स इसमें अब एंटर किया, बताओ ये कितना खतरनाक हो सकता है। सब रिस्क नहीं लेने का, अरे बाबा ये तो टपक जाओगे तो फिर पता नहीं पूरी बुंदिया खाने के लिए कौन आना है, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। देख लो कितना खतरनाक सीन, अगर वो टपकता है तो नीचे जाके टपक जाएगा फिर। अरे पटना जंक्शन है, सीधे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा, मतलब फेमस नहीं भी होगा तो फेमस हो जाएगा, इसलिए सावधानी रखो। और पता नहीं साला चला गया वो, मैं उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं कर पाया। बच्चा का किताब तो खरीद लो, बच्चे का किताब भाई, ये सब लोकल ट्रेन में हमेशा मिलेगी, एसी वाले में बहुत कम ये लोग जाते हैं। चलो अभी ट्रेन तो खुल गई हमारी, लोकल ट्रेन के आईने और ये है नल, बस इससे ज़्यादा पानी इसमें आ नहीं सकता, समझे। ये सब यही सब सीन है, और स्मेलिंग जो है ना भाई साहब, मतलब मास्क जरूरी है, पता नहीं मेरा मास्क कहाँ पे छूट गया, ये पटरी चेंज हो रहा है यहाँ से, देख रहे हो वो ट्रेन उधर से आ रही है भाई साहब, कहीं टकरा ना जाए यार, बगल से एक और ट्रेन क्रॉस हो गई और यहाँ से हमने पटरी वो चेंज कर लिया है। सोज मैंने सोचा था कि मैं पाटलिपुत्र से ट्रेन चेंज करूंगा, बट मैं ट्रेन चेंज यहाँ नहीं करूंगा, मैं चेंज करूंगा मुजफ्फरपुर में, क्योंकि ये ट्रेन मुजफ्फरपुर जाएगी और जिस ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वो भी मुजफ्फरपुर आएगी। यहाँ 1-2 घंटा बैठने से अच्छा है वहाँ पे जाके बैठ लेंगे, या फिर वहाँ से तो कंटिन्यू ट्रेन है जाने के लिए, वहाँ रुकना भी नहीं पड़ेगा, और सेम टाइमिंग लग रहा है भाई, 4 घंटे 4.5 घंटे का अप्रोक्स लग रहा है यहाँ से जाने में, तो मैंने वही सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर में ही ट्रेन चेंज करूंगा। इसमें देखो सीट वगैरह खाली है, पता नहीं आगे ट्रेन में मिलेगी नहीं मिलेगी, आराम से इसमें जा करके अपन सो जाते हैं 1-2 घंटे जब तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुँचते, फिर वहाँ पर हम ट्रेन चेंज करेंगे। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोग हैं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ अगर, लेकिन रुकना पड़ेगा यार, छोड़ दो मैं फिर कभी आऊँगा मुजफ्फरपुर,
अभी चलते रहते हैं। ये है ट्रेन में सबसे सेफ जगह अपने जूते को रखने के लिए, अगर लॉन्ग ट्रेन तक अगर आपको रखना है। बाकी सीट देखो एकदम मिल गई आपको, सो जाएंगे क्योंकि देखो उस ट्रेन में मिलती नहीं मिलती, बस इसी वजह से मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया। मैंने ट्रेन देखा कि क्या क्या किया जाए ये ट्रेन जाने वाली, मैंने देखा पहले मुजफ्फरपुर, चलो भाई वहाँ पर टर्निंग पॉइंट रखेंगे क्योंकि वहाँ पर चलो घूम भी लेंगे, अगर शाम का टाइम नहीं है लेट से ही जाएंगे। सही भाई, फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद मेरी नींद खुली है, ट्रेन काफ़ी स्पीड चली, बस हम लोग 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं मुजफ्फरपुर। ये है मुजफ्फरपुर और अभी हमारी ट्रेन बस आई गई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शायद आ रही है। भाई साहब इस रूट में तो भीड़ ही नहीं है, और अभी 50 मिनट के बाद मेरी ट्रेन है और दूसरी ट्रेन उससे हम चलेंगे मोतिहारी। मतलब मैं ब्लॉग इसलिए वहाँ था कि यार लोकल ट्रेन की भीड़ दिखाऊंगा, लेकिन इस रूट में तो भीड़ ही नहीं है भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है। आराम से मैं सो करके आ गया और बाहर निकलते हैं अभी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, फिर जाकर कुछ खा लेते हैं, भूख लगी बहुत ज़ोर से। मैं स्टेशन के बाहर हूँ, ये पीछे देख रहा हूँ मुजफ्फरपुर का जो रेलवे स्टेशन यही है, बाहर जाते हैं यहाँ से और कुछ खा लेते हैं, फिर हमारी ट्रेन बहुत जल्दी है। अभी जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे एक्सीलेटर से। ये जो पूरा मुजफ्फरपुर का जो रेलवे स्टेशन है ना, एक एक प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा लंबा है, तो बहुत कन्फ्यूजन वाला हो। जब मैं एक्सीलेटर से आया तो यहाँ पे सिर्फ दिखा था 1 से 3 प्लेटफॉर्म तक जा सकते, प्लेटफॉर्म पर जाने का 1, 6, 7, 8 इस पे, अच्छा काफ़ी प्लेटफॉर्म इसका इधर उधर है, बहुत कन्फ्यूजन है गाइस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 उधर है, 6, 7, 8 इधर है, तो हमारी ट्रेन लगी हुई। अच्छा हाँ, वहाँ पे देखो लगी हुई है ट्रेन, मतलब यार एक लाइन से है ही नहीं यहाँ पे प्लेटफॉर्म, मतलब कितना बार पूछना पड़ा आने के लिए, इधर से भी आ सकते थे, बाहर से भी मार्केट जब गए ही थे। तो चलते हैं अभी बैठते हैं और अभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे आपको 9 बजे के अप्रोक्स हम मोतिहारी में होंगे। फिर मोतिहारी रेस्टोरेंट मैंने जब यूट्यूब पर देखा काफ़ी खूबसूरत लगा था, अगर अभी होता है तो पॉसिबल नहीं तो कल या परसों फिर हम लोग वहाँ का भी ब्लॉग करेंगे। ट्रेन में है भाई साहब भीड़, क्योंकि ये है पैसेंजर, इसमें होने वाली हालत खराब, ठीक किया मैंने कि उसमें मैं सो गया था। ट्रेन में तो भीड़ है, सीट्स हैं नहीं, शायद हो सकता है खड़े खड़े जाना हो या फिर कहीं कहीं पर खाली होगा तो वहाँ पर बैठेंगे। हम लोग पूरा ऐसा घुस सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, मतलब पूरा ट्रेन हम लोग घूम सकते हैं। इस ट्रेन में अगर टाइम पास करना तो ये बेस्ट है, पूरा ट्रेन ऐसा घूम लो यहाँ से। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में ही हैं, अब होने वाले भाई साहब असली भीड़, तो जनरल ट्रेन में जो हालात होते हैं ना वो दिखेंगे इसमें, क्योंकि कैसे लोग जाते हैं। जब भी मैं उधर को ट्रैवल किया ना, भीटा दानापुर वगैरह वगैरह, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, मतलब पैर रखने को भी जगह नहीं होता, तो ब्लॉगिंग क्या करोगे वहाँ पे। तो इसमें तो चलो ठीक है, सीट मैं ढूंढ रहा हूँ, आधा ट्रेन तो मैंने चल दिया पैदल ऐसे ही, और थोड़ा सा और देख लेता हूँ अगर मिलता है तो, ठीक है नहीं तो। फाइनली सीट मिल गई है और अभी बस थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है। अभी हम लोग इस चकिया आ चुके हैं, इस ट्रेन में भी उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, आराम से हम लोग जा रहे हैं, बस आधे घंटे का और रास्ता बचा हुआ है। सो गाइस ये अभी आखिरी स्टेशन, इसके बाद आने वाला है आपका मोतिहारी, उसका क्या नाम है, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, इसके बाद मोतिहारी इधर हो रहा है पूरा बारिश। मैंने अभी फ़ोन किया एक अपने फ्रेंड को तो सासाराम में, वो उधर भी बहुत आंधी तूफान और बारिश बहुत सारा आया हुआ है, इधर भी ऐसा मेरे को दिख रहा है, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ लेकिन हुआ है बारिश, अभी कम हो गया होगा। बस ये हमारी आखिरी स्टेशन 8:39, फाइनली आ गया बापू धाम मोतिहारी, और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को भी फ़ोन करता हूँ और अभी वो लोग आएंगे मेरे को यहाँ रिसीव करने। सच में सुंदर है यार, यूट्यूब पर मैंने देखा था यहाँ का स्टेशन, खुद से देख लो ऐसा। अभी रात के 9 बज गए हैं, ट्रेन 8:30 तक यहाँ आने के लिए, आधा घंटा लेट चलता है, उसे भी बिहार है भाई। अभी पहले फ़ोन करते हैं क्योंकि कहाँ जाना है मेरे को भी नहीं पता है, कोई आता नहीं है रिसीव करने, तब तक स्टेशन घूम लेते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पूरा, अब जब ये दिन में हम लोग देखेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। वहाँ पे लिखा हुआ है बापू धाम मोतिहारी, यहाँ पे सब ये रहा बापू धाम मोतिहारी का बाहर का लुक, काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई साहब, मतलब यही बताएं। अभी दिन में जब देखेंगे ना इसको, और सामने में मंदिर है इधर, दिन में देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे देख लो,
ये ट्रेन है 1537 का, और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपको चार चार कुत्ते मिल जाएंगे भाई। मेरी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं रिसीव करने के लिए, फिर हम जाते हैं रूम पे, आराम से रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे।